तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी में इनकी धर्मपत्नी अपने बच्चे के साथ वैक्सीनेशन के लिए मैं सुन रहा हूँ कि सब यहाँ के लोग बोल रहे हैं। अपनी न्यूज अपडेट्स में यहाँ पे वीर जवान स्टेच्यू के करीब में एक लफड़ा हुआ है जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे ये है माजरा कि फोर व्हीलर में एक व्यक्ति अपने फोर व्हीलर को लेकर जा रहा था और एक वैन चालक जिसने प्लाई बोर्ड लोड किए हुआ था और उस पर ओवरलोड होने के कारण में डिसबैलेंस होने के बाद देखिए क्या लफड़ा हुआ है। आइए हम चीज़ों को देखते हैं और स्पष्ट समझते हैं। यहाँ पे प्रधान नगर थाना के प्रशासन भी आ चुकी है और मौकाए वारदात पे देखते हैं यहाँ का स्थानीय लोग का क्या कहना है और क्या माजरा है। जुड़े रहे हमारे साथ और देखिए ये संपूर्ण न्यूज को। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन आ चुकी है और ये वीर जवान स्टेच्यू के सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लफड़ा ये है कि एक वैन जिस वैन पे प्लाई बोर्ड को लोड किया गया है और वहाँ से वो प्लाई बोर्ड पे जो स्थानीय लोगों का कहना ये है कि चार चक्का गाड़ी में ओवरलोड होने के कारण हल्का सा स्पर्श किया है। तो आइए इसी मैटर को लेकर के यहाँ पे प्रशासन भी आ चुकी है, यहाँ का स्थानीय लोग भी हैं और क्या है माजरा आप थोड़ी देर में समझेंगे। आप देखिए क्या होता है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा इवान है। जी जी जी, तो क्या हुआ बताइए तो थोड़ा। हम अपना वाइफ को लेकर जा रहे थे गाड़ी से, सामने से ट्रक आ रहा था और ये जो वैन वाला है, वैन वाला था, ये अपना वैन लेकर आ रहा था। जी जी जी, तो इधर आओ इधर भाई। वैन वाला को हम जी जी वैन वाला से आगे हम जा रहे थे तो उसको वैन वाला को ओवरटेक करना सोचे, तो ओवरटेक करने के चलते हल्का सा क्या हुआ कि मेरे गाड़ी का हल्का सा पीछे से इसका प्लाई में लग गया। प्लाई में लगने से क्या हुआ कि इसका जो सामने का जो हैंडल है वो उड़ गया। कि गाड़ी का दिखाइए तो कहाँ पे लगा? तो ये साइड से लगा है, पुराना है भाई। अच्छा, पुराना हो लेकिन उसी क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र राय। तो आप वैन चालक हैं जो वैन पे प्लाई बोर्ड आप ही लोड किए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ है गजेंद्र जी? मेरा वैन में गाड़ी वाला एक गाड़ी से पीछे से टक्कर लगा है, मेरा वैन आगे से अनबैलेंस हो गया, हैंडल मेरा इधर उधर घूम गया, वो लेडीज़ को थोड़ा सा हल्का टच हुआ, चोट ज़्यादा नहीं लगा, बस यही बात। यही बात है ना। हाँ। तो आपको क्या, आपको भी कहीं चोट लगा है? हमारा तो चोट लगा है प्लाई से, जब वैन उठा ना जी माथा में चोट लगा है प्लाई से और पोल में थोड़ा आगे से लगा है, जब वैन ऐसे उड़ के गया तो पोल में जब टक्कर लगा वैन तो मेरा भी चोट लगा, बस दूसरा कुछ नहीं हुआ। अरे माला डलवारी पे क्यों लो सर, सब छोड़ो, कौन से कौन से काल कौन से गाड़ी का गाड़ी पे चढ़ जाओ जाबे ना कौन कुछ है। আমি জানতে চাচ্ছিলাম এজ এ প্রেস রিপোর্টার কি হয়েছে ব্যাপারটা একটু বলুন তো। ব্যাপারটা হয়েছে আমি আমার মেয়ে এদিকে বলিতে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে একটু কাজে বেরিয়েছি, ভ্যানটা পেছন থেকে আসছে, আমি দেখছি এপাশে যাচ্ছে, গাড়িটা সাইড দিয়ে এসে আমি তাকাই দেখলাম, দেখো এমনভাবে ভ্যানটাকে পেছনে সাইডে কোনাতে মেরে দিয়েছে, কি নাম আপনার?
গাড়িতে এখনো দাগ আছে, বাধ্য হয়েছি অসুবিধে ওনার সব জ্ঞান হয়ে যে ভ্যান বেলা দাঁড়িয়ে আছে বেচারে ওরও কিছু হতে পারত। वास्तव में कुछ इस तरह का कुछ नहीं, ये लोग ऐसा ही करता है मतलब কথা বলতেছি না আমরা अच्छा यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे एक बार समझते हैं। काका के भागो थियो, काका के भागो छ हजुर? और को हिसाब में मतलब आप लोग के हिसाब से क्या सचमुच बहुत ज्यादा दर्द हुआ है? काका हजुर को के नाम हो काका? तब को नाम के हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? यहाँ का स्थानीय लोग जो चश्मदीद गवाह है उनका कहना ये है कि ऐसा कुछ विशेष कुछ हुआ नहीं है। तो इस तथ्य को देखिए, प्रशासन भी यहाँ पहुँच चुकी है और गाड़ी भी आपने देखा, ये फोर व्हीलर गाड़ी, जिस गाड़ी से गाड़ी के चालक का जो ऑलरेडी मैं बाइट ले चुका हूँ, जो हमारे सामने कैमरे के सामने है, आप देख पा रहे हैं। तो आप कहाँ रहे थे? हम जा रहे थे बच्चे को अपने ट्रीटमेंट कराने। आप बच्चे को लेके जा रहे थे ट्रीटमेंट कराने? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में इनकी धर्मपत्नी अपने बच्चे के साथ वैक्सीनेशन के लिए, मैं सुन रहा हूँ कि सब यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप रिक्वेस्ट किए कि हमको माफ़ कीजिए, अब चले आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है? जी माफ कर दीजिए जी, ट्रीटमेंट करा दे रहे हैं। तो आपसे क्या बोली वो महिला? हमको बोली 5000 लेकिन वो नहीं, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम कराएंगे माटी कराने कराएंगे। ओके ठीक है, आपको वहीं से हम ले जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। बाकी नहीं, तुम 5000 दो या फिर हमको, मेरा उतना लगा है जी, बल्कि उतना लगा भी नहीं है। ठीक है, उनके उनके उनसे उसको लगा है, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि हमको 5000 दो या फिर 5000। ठीक है, तो क्या कि 5000 एक बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। क्या चाहते हैं, आपका क्या कहना है, प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या बोलेंगे, लोग देखेगा या यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ का स्थानीय लोग उन लोगों से क्या कहेंगे कि क्या मतलब देखा है? क्या है, म्यूचुअल देखो, सब चीज़ हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन आंटी लोग चाहे तो इतना नहीं मान रही है करना, म्यूचुअल कुछ কমপ্লেন করলাম গাড়ি নিয়ে কমপ্লেন করতে হবে।
যদি শোনেন আপনার যদি মেজর কিছু থাকে আমি পুলিশকে আমার নিজের নাম্বার দিয়ে দিই, কোনো রকম সমস্যা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনি রতনমালাকারকে বলবেন যে গোপাল ওখানে ছিল, গোপাল যদি কিছু হয় আপনি আসবেন, যোগাযোগ করবেন, আমরা এখানে আমি আপনাকে ট্রিটমেন্টে খরচা দিচ্ছি, আমাকে তো 500 টাকা দিচ্ছি, ডাক্তার দেখানোর জন্য 2 দিনে দিন হয়েছে। কিছু নর্মাল কিছু হয় তাহলে কোনো আর প্রয়োজনে আমি ট্রিটমেন্ট করে নেবো, কিন্তু মেজর কিছু প্রবলেম হয় চেস্টে তাহলে আমি স্যারদেরকে জানাবো, গাড়ির নাম্বার দেওয়া আছে, ওনারা যা ব্যবস্থা করবেন করবেন, সেটা ওনাদেরকে দায়িত্ব থাকে। এখন আপনি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি এখন ডাক্তার দেখাতে যাবো, মনে করুন 2 আড়াই মাস হয়ে যায়, আমি সেটা কত দিন মেজর কিছু চেষ্টে কোনো রকম মনে করুন যদি কোনো আঘাত লাগে বা পিঠ ঘুরে থাকে মেজর খরচা হলে ওনাদেরকে দিতে হবে। সামান্য ওই তো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, আচ্ছা, আমাদের এই পাড়ারই একজন মহিলা নিজের মেয়েকে নিয়ে ভ্যাকসিনের জন্য যাচ্ছিলেন, গাড়ি একটু ভ্যান রিক্সাকে বাঁচাতে গিয়ে ওই গাড়িটার সাইডে একটু ধাক্কা লেগে গেছে, তবে পথ চলতে যে মহিলা ছিলেন তার তেমন কোনো রকম মেজর কোনো রকম সমস্যা কিছু হয়নি, তো উনি তবুও একটু ডাক্তারকে দেখাতে চাচ্ছেন। এখানে আমরা লোকাল স্থানীয় যারা আছি এবং এখানে ব্যবসায়ী সমিতি যারা আছেন আমরা সবাই মহিলার সঙ্গে কথা বললাম এবং ওনার যে ফার্স্ট এড যেটা আছে সেটা আমরা ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা বললাম প্রশাসন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এবার যেই মহিলা কমপ্লেন করেছিলেন উনিও রাজি হলেন, ঠিক আছে আমার ট্রিটমেন্টটা করে দিলে আমার এরকম হয়ে গিয়ে এখন এখানে আপনারা কিছু বেশি লাগে এমন কিছু না, মেজর কিছু সামান্য উনি দেখাতে যাচ্ছেন ডাক্তার, উনি দেখিয়ে দিক কোনো অসুবিধা নেই, তারপরে যদি ওনার মেজর কোনো প্রবলেম থাকে এখানকার ব্যবসায়ী সমিতি আছে, আমরা আছি, আমরা দায়িত্ব নিই যে কী হয় আমরা করে দিই। আর গোপালদা যে ভ্যানওয়ালা থা যে প্লাইবোর্ড লোড কিয়া হ্যায় উসকা ক্যা সমস্যা থা? ভ্যানওয়ালা সে তো আমি তো মুলাকাত নেই হুয়া হ্যায়, লেকিন যে ভ্যানওয়ালা জো হ্যায় আগর ইস তরহ সে ইয়াহ গুরুমবস্তি নিবেদিতা রোড মে ইস তরহ সে আগর ভ্যান চলা যায় ইসকে লিয়ে প্রশাসন কো সখ্ত কার্রওয়াই করনা চাহিয়ে, ইতনা ওভারলোড লেকে আগর ইয়াহ সে যায়গে ইতনা ছোটা রাস্তা হ্যায় ইয়াহ বহুত সারা রাহ চল তো বহুত সারা আদমি কিসি কা দিক্কত না হো, এ প্রশাসন কো দেখনা জরুরি হ্যায়। मैं पंकज, आप देख रहे थे द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स। प्रशासन आने के बाद में समस्या जो है समाधान हो चुका है, तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। मैं पंकज, आप सबका स्वागत था द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में, धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।